मोगा के सरकारी अस्पताल में हजारों की गिनती में आशा वर्करों ने किया रोष प्रदर्शन। केंद्र सरकार को जगाने के लिए थाली और चमचे खड़काकर रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार की तरफ से उनके साथ वतीरा किया जा रहा है, जिसको चले उन्होंने ये रोष प्रदर्शन किया है। जो इतने धरना लगा रहे हैं, रोस मजारा थाली खड़काओ मोदी जगाओ, जिहड़ा साडा अज इह मंग पत्र सी देणे सिविल सर्जन दफ्तर साहब नूं, इह साडा मोदी सरकार खिलाफ पूरा रोस प्रदर्शन आ कि साडे आशा वर्कर नूं बिल्कुल ध्यान नहीं दित्ता केंद्र सरकार ने। असीं 2008 तों रखे हुए मुलाजमां, पर सानूं अजे तक निगुणे जिहे पत्ते दे के सरकार जिहड़ा अपना चला रही है सिस्टम नूं, पर आशा वर्कर वाले जिहड़ा कोई भी योजना ध्यान नहीं दे रही। एक ओर जहां अपनी मांगों को लेकर किसान केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी ओर पंजाब में काम कर रही आशा वर्करों ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर पंजाब के 3 जिले मोगा, फिरोजपुर और फतेहगढ़ साहिब में कार्यरत आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। तीनों जिलों के आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ थाली बजाकर और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह लंबे समय से 1500 से 2000 रुपए के भत्ते पर काम कर रही है। उन्हें आयुष्मान कार्ड का लॉलीपॉप देकर रखा गया है। आशा वर्करों की मांग है कि केंद्र सरकार बजट में जो उनके लिए फंड है उसको दिया जाए और 21000 रुपया सैलरी फिक्स कर पक्का किया जाए। जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष मनदीप कौर ने कहा कि केंद्र सरकार काफ़ी लंबे समय से आशा वर्करों को लॉलीपॉप दे रही है। वह मात्र 1500 से लेकर के 2000 रुपए में काम कर रही है। अब केंद्र सरकार को जगाने के लिए मोगा के सरकारी अस्पताल में थाली खड़काकर रोष प्रदर्शन किया है। चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।